वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि हमने पिछली बार 90 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट की वॉक हम सुबह करेंगे और 30 मिनट की वॉक शाम को करेंगे। उस चीज़ को मैंने फॉलो किया है। इसके अलावा मैंने चीनी का एक दाना भी अपने पेट में नहीं जाने दिया है, यानी कि चीनी बिल्कुल बंद रखी है, मीठा बिल्कुल बंद रखा है। लेकिन इस हफ्ते हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे पिछले हफ्ते से। पहले मैं आपसे अपना रिज़ल्ट शेयर कर लेता हूँ कि एक हफ्ते में मैंने जो किया उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि एक हफ्ते में मेरा वेट जो है करीब 1 किलो कम हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए, अभी आपको मालूम पड़ेगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देखिए आप मेरा वेट। मैं चप्पल उतार देता हूँ और खड़ा होता हूँ। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, 110.85 आ रहा है, जबकि पिछली बार मेरा वेट जो था वो करीब 112 किलो था। तो इसका मतलब मेरा करीब करीब 1.25 किलो वेट जो है एक हफ्ते में गया है। तो अगर मैं 1 किलो भी मानूं तो एक हफ्ते में 1 किलो, यानी कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो इस तरह से मेरा 4 किलो वेट एक महीने में जाएगा और 3 महीने में करीब 12 किलो वेट जाना चाहिए। लेकिन जो मेरा टारगेट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। मेरा टारगेट करीब करीब 20-25 किलो का है, तो यानी कि मुझे कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा वेट रिड्यूस करने के लिए। तो हम अब एक कदम और अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं। आज से मैं आपको खाने के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में कुछ नई चीज़ें आज से स्टार्ट करूँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं आज आपको खाली एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा और अगले वीडियो में मैं आपको खाने के बारे में बात करेंगे। 2 वीडियो कर लेंगे अलग अलग। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा, इस एक्सरसाइज के बारे में आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपके घर में कोई पुराने डंबल्स पड़े हुए हैं या आप डंबल परचेज कर सकते हैं तो आप डंबल लेके डंबल से कर सकते हैं, और अगर आप डंबल से एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप खाली हाथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा। मैं अभी डंबल लेता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है डंबल की, उसका नाम है स्क्वैट्स। स्क्वैट्स करेंगे सबसे पहले। स्क्वैट्स कैसे करते हैं, ये हाथों में मैं डंबल ले लिए, आप चाहें तो बगैर डंबल के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने कंधे के बराबर मैंने अपने पैरों की दूरी कर ली और इस एक्सरसाइज को स्क्वैट्स कहते हैं। इसका मैंने आपको एक सेट करके दिखाया है। एक सेट में आप 5 बार ऊपर नीचे होंगे और इस एक सेट से आप स्टार्टिंग कीजिएगा। लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज या आई एक्सरसाइज करते रहते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में आपको कोई परेशानी है, तो आप कम से कम 3 सेट एक बार में कीजिएगा इस एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, लंजेस। लंजेस इस वाली एक्सरसाइज को भी आप बगैर वेट के भी कर सकते हैं, इसे लंजेस बोलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज डेड लिफ्ट। अगर आपको कमर में प्रॉब्लम हो तो इस एक्सरसाइज को नहीं करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज पुशअप्स। ये पुशअप्स हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस के लिए अगर आपके यहाँ बेंच है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपके पास बेंच नहीं है तो आप इसे जमीन पर भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट फ्लाई। चेस्ट फ्लाई नेक्स्ट एक्सरसाइज वन आर्म रोइंग। इस तरह से इसके बाद दूसरे हाथ से आप करेंगे इसी एक्सरसाइज को दूसरी साइड से। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलिट्री प्रेस। नेक्स्ट फ्रंट एंड लेटरल रेस। बाइसेप कर्ल। बाइसेप्स कर्ल्स आप एक एक हाथ करके भी कर सकते हैं और दोनों हाथों से एक साथ भी कर सकते हैं। आप दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप। दोस्तों मैंने इस तरह से आपको 10-11 एक्सरसाइज करीब बताई हैं। हो सके तो आप सभी एक्सरसाइज कीजिएगा और आप अगर सभी नहीं कर सकते कुछ परेशानी होती है तो इनमें से कुछ एक्सरसाइजों को आप छोड़ भी सकते हैं उन्हें कर लिए। वैसे मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई हैं ये पूरे शरीर की मैंने आपको बता दी हैं। आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एपरेटस की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक जोड़ी डंबल से घर में आप कितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मेरे पास सिंपल वाले पुराने डंबल थे, पड़े हुए थे। अगर आप नया डंबल खरीदते हैं तो आप रॉड वाले डंबल ले लीजिएगा, उसमें आप प्लेट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप सिर्फ 5-5 की प्लेट से कीजिए, उसके बाद 7.5-10 की प्लेट आप बढ़ाते जाइएगा और अपने आप को इम्प्रूव करते जाइएगा। ये मैंने 3 सेट करने हैं एक टाइम में एक एक्सरसाइज में। अगर आप पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेट से शुरुआत कीजिएगा। पहली बार कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेट से शुरुआत कीजिएगा और कभी कभार करते रहते हैं तो 2 सेट कम से कम कीजिए। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 3 सेट एक बार में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खाने के बारे में बात करेंगे कि हमें वेट रिड्यूस करने के लिए खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस खाने को फ़ायदा है, किस खाने से फ़ायदा है और किस खाने से हमें नुकसान है। तो दोस्तों स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड एंड सपोर्ट मी। बाय बाय।